दमोह की जवेरा थाना अंतर्गत ग्राम सिंग्रामपुर में एक बैंक की कथित कार्य प्रणाली से परेशान होकर व्यक्ति ने बैंक की शटर को बाहर से बंद कर बैंक कर्मियों को अंदर बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। उस व्यक्ति के शरारती कदम उठाने से बैंक कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बैंक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक की शटर खुलवाकर बैंक कर्मियों को मुक्त कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप मेहरा नामक व्यक्ति अपनी पत्नी का खाता खुलवाने से सिंग्रामपुर की बैंक शाखा में लगातार 3 दिन से भटक रहा था, जिससे परेशान होकर निराश होकर प्रदीप ने यह शरारती कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप मेहरा नामक व्यक्ति अपनी पत्नी का खाता खुलवाने सिंग्रामपुर की बैंक शाखा में लगातार 3 दिन से भटक रहा था, जिससे परेशान और निराश होकर प्रदीप ने यह शरारती कदम उठाया। वहीं प्रदीप के समर्थन में कई ग्रामवासी पुलिस के समक्ष बैंक प्रबंधन की शिकायत करने पहुंचे। सिंग्रामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये रामू मेहरा का लड़का शायद प्रदीप मेहरा है, वो यहाँ बैंक में आया और दारू पी के आया था, बस यहाँ उसने चिल्लाना चालू किया और शटर लगा के फिर यहाँ काफी देर गाली गलौज करता रहा। नहीं, कारण क्या है सर उसका? खाता खुलवाने आया था वो बैंक टाइम के बाद। अच्छा, आज ही आया था? आज ही आया था, अभी थोड़ी देर पहले। और कुछ सर? बस और कुछ नहीं, मगर वो यहाँ बहुत देर तक गाली बकता रहा और बाहर निकाल के गाली गलौज करता रहा, मारने के लिए बोलता रहा, बस शटर बंद करके बस। इसमें आज एक व्यक्ति सिंग्रामपुर का मध्यांचल ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाने गया था, जहाँ पे उसकी खाता न खुलने के कारण बैंक के स्टाफ से कहा सुनी वाद विवाद हो गया था, जिसके संबंध में बैंक स्टाफ द्वारा भी आवेदन दिया गया है, जिसको जांच में लिया गया है। अभी दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। आवेदन का जांच करके वैधानिक कार्रवाई की।